सर, एज अ पाकिस्तानी क्या हम इंडिया के चांद मिशन को कामयाब होने दें या नहीं? नहीं, कामयाब तो नहीं होने देने चाहिए, हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हम उनके नाकाम कर दें, उनके मिशन काम करें। कैसे? यहाँ से हम अपना रॉकेट भी भेजें नाकाम? जाहिर बनाए हमें अपनी। क्या हमें भी अपना रॉकेट बनाकर उनके रॉकेट को नाकाम करना चाहिए या उनके बराबरी में खड़ा होना चाहिए? काम तो करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इत्तेफाक करना पड़ेगा इनको आपस में, इनका रॉकेट बनाना चाहिए, रॉकेट बनाना चाहिए। रॉकेट बनाकर क्या करना चाहिए? उनको मारना चाहिए। अच्छा, क्या हम जा सकते हैं चांद पर इस हवाले से? जा सकते हैं अगर ईमानदारी और अच्छे लोगों को काम करने दें। इंडिया ईमानदार है इंशाल्लाह। देखिए, अच्छी तरह काम कर रहे हैं आप, उनके इलेक्शन होते हैं तो सही तरह होते हैं ना, उनके वो जो मशीन की तरह होते हैं इलेक्शन तो मान जाते हैं। कभी धांधली हुई है हमारे, वो आपके सामने है, जिसको चाहे उसको बना देते हैं। अल्लाह की ताकत है हमारे पास। सर, उनके पास हमसे ज़्यादा मुसलमान है? वो तो ठीक है, लेकिन इस्लाम इधर है ज़्यादा, उधर नहीं है। सर, मुसलमान हमसे ज़्यादा है, वहाँ पर 35 करोड़ है, यहाँ पर 22 करोड़ है। मालूम है मुझे, लेकिन लेकिन इधर ज़्यादा है। क्या ज़्यादा? इस्लाम। उधर के लोग ही नहीं अच्छे हैं, इंडियन अच्छे नहीं हैं। अच्छा, हम बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी हम अच्छे हैं, एक दूसरे की इज्जत तो करते हैं। वो नहीं करते एक दूसरे की इज्जत? वो किधर, मुसलमानों की किधर करते हैं? हम दूसरे किसी मुल्क का इस हालात के अंदर मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, इस हालात में हम क्या मुकाबला कर, जब हमारे पास है ही कुछ नहीं तो मुकाबला कैसे करेंगे हम? सर, भारत हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया या पहले भारत ये हालात थे कि उनका रुपया हमसे कम था, हमारे ऊपर था, हम ज़्यादा से उसके, अब ये है कि हम सबसे नीचे हैं। सर, इंडिया ने ज़मीन पर तो कब्जा कर ही लिया, ज़मीन पर अपना राज तो जमा ही लिया, अब चांद पर भी चला गया सर, चंद्रयान 3। हम वहीं के वहीं हैं, हम गरीबों को चूस रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, यहाँ जीना मुहाल हो गया है, और बाकी हमने किधर जाना है, चांद तो बड़ी दूर की बात है। सर, एज अ पाकिस्तानी क्या हम इंडिया के चांद मिशन को कामयाब होने दें या नहीं? नहीं, कामयाब तो नहीं होने देने चाहिए, हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हम उनके नाकाम कर दें, उनके मिशन काम करें। कैसे? यहाँ से हम अपना रॉकेट भी भेजें नाकाम? जाहिर बनाए हमें, अपनी टेक्नोलॉजी बनाए हम भी, अपने आप को अपनी टेक्नोलॉजी उनके उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। बिल्कुल करें, खिलाफ क्यों इस्तेमाल करें, उनके बराबरी आने के बराबर नहीं, उससे हमारी टेक्नोलॉजी उनसे ज्यादा अच्छी है। अच्छा, हमारे मिसाइल अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है उनके मिसाइलों से। हमारे सर, रॉकेट अगर इतना अच्छा होता तो क्या हम भी चांद पर नहीं चले जाते? चले जाते हैं, क्यों नहीं जाते? सर, अच्छे नहीं है ना, उनके अच्छे हैं तो चले गए, मतलब हम ट्राई करें ना। हम ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल ट्राई करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं जी करेंगे। सर, हम क्यों नहीं करते ट्राई? करते नहीं तो हम कहते हैं कि उनसे आगे चले जाएं, क्या पॉसिबल है? हमारे ये जो सियासतदान है ये नहीं है ना अच्छे, मुखलस नहीं है मुल्क के साथ। कोई भी मुखलस होता ना तो आज हम कहीं से कहीं चले जाते। बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ, कहाँ चला गया? चाइना बाद में आज़ाद हुआ, कहाँ चला गया? हम वहीं के वहीं हैं। सर, हमने आलादगी तो ले ली इंडिया से, क्या आलादगी लेकर आज हम खुश हैं इंडिया से? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आज़ाद हैं हम, खुश हैं। जो हालात वहाँ पे है ना, वो चांद पर चले गए, क्या हमें भी जाना? चांद को छोड़ें जी, चांद हम दूसरी बार, चांद चांद से आगे चले गए, चांद से आगे जाएं हम, मैं पहले अपनी आवाम को खुश करें। हमने अपने मुल्क को चांद, आवाम को, हमने अपने मुल्क को चांद बनाया। हाँ जी, हम ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गटर बंद हो जाते हैं, बारिश आती है तो इतनी इतनी बारिश में हम गुजर के, पानी में गुजर के आते हैं, क्या है ये हालात? तो खराब है। हाँ जी, बिल्कुल खराब है, कोई सही नहीं हालात। क्या कौन सा हुक्मरान आपको लगता है बेस्ट है? कोई भी बेस्ट नहीं है। आप बेस्ट हैं? कोई बेस्ट इस वजह से कोई भी नहीं है कि किसी ने भी आवाम के लिए कोई सोचा ही नहीं है। okay. आप देखें ना, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बिजली की कीमतें बड़ी होती हैं, क्या आवाम के लिए सोच लें? आवाम के लिए कोई नहीं, आवाम के लिए। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। कहते महंगाई नहीं है मुल्क के अंदर? महंगाई देखिए आपके सामने, आटा देखिए कितना महंगा है, चीनी कितनी महंगी है, घी कितना महंगा है, और तनख्वाह क्या है, 2500-3000 रुपये ड्राइवर की तनख्वाह है, 2500 से ज़्यादा नहीं। हुकूमत कहती है 30,000 रुपये, लेकिन दूसरे लोग तो नहीं, वो कहते हैं जहाँ से आपको 30,000 रुपये छोड़ दें, अगर हम छोड़ दें तो हम तो फिर बैठे रहेंगे, तो फिर जो 25,000 आ रहा है उससे भी जाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, मकान का किराया 10,000, बत्ती गैस का बिल देखिए कितना बढ़ चुका है, तो क्या करेंगे बताएँ? सर, क्या ख्याल है आपके कि हमारा पड़ोसी मुल्क चांद पर पहुंच गया, उसको जाना चाहिए चांद पर? चांद पर उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, चंद्रयान 1, 2, 3 के बाद अब तीसरा भेजा उन्होंने, वो चांद पर जाकर अपनी पकड़ अपनी मजबूत चांद के ऊपर भी मजबूत कर रहा है इंडिया। पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर तो उसने नाम जमा लिया, दुनिया के अंदर तो मनवा लिया कि वो तरक्की याफ्ता, आप चांद पर जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान को भी जाना चाहिए चांद पर? पाकिस्तान कैसे चांद पर जाएगा? कोई अच्छा आदमी आता है तो उसको फ़ौरन हटाते हैं, उसको रहने नहीं देते हैं, तो तरक्की क्या करेगा मुल्क?
मुल्क तरक्की क्या, वही लोग वही करते हैं काम जो कर रहे हैं, तो मुल्क क्या तरक्की करेगा। पैसे आते हैं अपने अपना वो भर लेते हैं और गरीब आदमियों के ऊपर बोझ डाली जाती है, बिल का, बिजली का, गैस का, दूसरा तीसरा, क्या करेगा गरीब आदमी? गरीब आदमी तो मरेगा ना बेचारा, वो तो तरक्की नहीं हो सकती, ये तो मुल्क जा ही नहीं सकता। जब तक कोई अच्छा आदमी आता है उसको फौरन हटाते हैं, इसलिए फिर वो तरक्की नहीं कर सकता। क्या हम जा सकते हैं चांद पर इस हवाले से? जा सकते हैं अगर ईमानदारी और अच्छे लोगों को काम करने दें। क्या इंडिया ईमानदार है? इंशाल्लाह, देखो अच्छी तरह काम कर रहे हैं आप, उनके इलेक्शन होते हैं तो सही तरह होते हैं ना, उनके वो जो मशीन की तरह होते हैं इलेक्शन, तो मान लिया जाते हैं। कभी धांधली हुई है हमारे वो आपके सामने है, जिसको चाहे उसको बना देते हैं। तो क्या हम मुकाबला कर सकते हैं भारत? नहीं नहीं, जब तक हम अपना दुरुस्त नहीं करेंगे उस तक वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कुछ नहीं कर सकते। सर, क्या भारत के साथ लेन देन ट्रेड करनी चाहिए? देखें ना, हर चीज़ का हिसाब किताब होता है, हर चीज़ का बनता है हिसाब, होना चाहिए ताकि तरक्की, मुल्क को खुशहाल होना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। लेकिन ये लोग तो अपना अपना हर बंदा मनमानी पे है, क्या तरक्की होगी? सर, वो तरक्की कर गया, हम पीछे रह गए और दुनिया के सामने इंडिया ने इज्जत भी बना ली, हम इज्जत भी नहीं बना पाए, क्या वजूहत है? इज्जत बना सकते हैं लेकिन लोग जो अच्छे आते हैं उनको काम करने दें, उनको देखना चाहिए कि यार ये 5 साल काम करें, क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये क्या कर रहे हैं। जो कोई थोड़ा बहुत ठीक करना चाहता है उसको फौरन हटा देते हैं, फिर फ़ायदा। सर, 40 दिन का टाइम दिया, 40 दिन के अंदर इंडिया चांद पर भी कदम रख लेगा और दुनिया में चौथे नंबर पर आ जाएगा, 205 मुल्कों में से इंडिया चौथे नंबर पर आ जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा टेक्नोलॉजी के लिहाज से। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से मुकाबला कर सकते हैं इंडिया? आपके सामने हमारी करेंसी कहाँ थी? ठीक है, अब इंडिया की करेंसी कहाँ है, हमारी कहाँ है? हालात देखे ना, इस किस्म के बन चुके हैं कि इंडिया की करेंसी ऊपर चली गई और पाकिस्तान की नीचे आ गई है। सर, पाकिस्तान के इंडिया का 1 रुपया, पाकिस्तान के 3.5 रुपये, 4 रुपये बनते हैं। हाँ, तो वो देख लें, आपके सामने ही है, फिर मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। मोदी को गालियाँ देते हैं, क्या फ़ायदा, वो तो तरक्की कर गया। देखिए, मोदी को गालियाँ देने से पाकिस्तान तरक्की थोड़ी करेगा, कोई जज्बा पैदा करें, कोई अपना ईमानदारी पैदा करें, कोई ईमानदारी से काम करें, फिर जाके पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। गालियाँ देने से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, और ना कोई हुक्मरान ऐसे तरक्की कर सकता है कि ये जो है एक दूसरे को गालियाँ दें, उसको ऐसे करें, वो वैसा करें, नहीं। ये अपने आप को ठीक करें, सिस्टम को ठीक करें, फिर ठीक हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर। मोटर मैकेनिक सर, महंगाई कैसी है, गुजारा हो रहा है? महंगाई का गुजारा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कितना कमा लेते हैं? जितना कमाते हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, बस। सर, क्या हम इन सब हालात के अंदर अपने मुल्क को आगे चला सकते हैं? भारत ने चंद्रयान मिशन भेज दिया, वो चांद पर चले गए हैं। वो जा सकते हैं, वो क्यों? आम का ख्याल करते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम नहीं करते हैं। सर, क्या हमें भी अपना रॉकेट बनाकर उनके रॉकेट को नाकाम करना चाहिए या उनके बराबरी में खड़ा होना चाहिए? काम तो करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इत्तेफाक करना पड़ेगा इनको आपस में, इनका रॉकेट बनाना चाहिए, रॉकेट बनाना चाहिए। रॉकेट बनाकर क्या करना चाहिए? उनको मारना चाहिए। अच्छा, उनके पास भी तो रॉकेट है सर, वो भी तो मार सकते हैं। अच्छा, हमारा मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह की ताकत है हमारे पास। सर, उनके पास हमसे ज़्यादा मुसलमान है। वो तो ठीक है, लेकिन इस्लाम इधर है ज़्यादा, उधर नहीं है। सर, मुसलमान हमसे ज़्यादा है, वहाँ पर 35 करोड़ है, यहाँ पर 22 करोड़ है। मालूम है मुझे, लेकिन लेकिन इधर ज़्यादा है। क्या ज़्यादा? इस्लाम। इस्लाम कहाँ पर ज़्यादा? इधर पाकिस्तान। इस्लाम हमारे अंदर है, बिल्कुल है। किधर है? सब किधर है? किधर है, मैं कह रहा हूँ ना, सूट बूट तो हमारा तो उन वाला है। तो फिर इस्लाम कहाँ? ये तो है सवाल है ना। तो फिर इस्लाम कहाँ से आया? इस्लाम तो है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे नमाजें पढ़ते हैं, बातें। इस्लाम हमारे इधर है तो इंसाफ किधर है? इंसाफ नहीं है इनके पास। तो फिर इस्लाम तो इंसाफ के साथ होता है। हाँ जी, इंसाफ नहीं है किसी के पास। जो इंडिया में इंसाफ है? इंडिया में तो मैं तो देखा, उधर आवाम का बहुत ख्याल करते हैं वो। फिर इंसाफ उनके पास ज़्यादा होना, उनके पास है। मुसलमान हमसे ज्यादा उधर है तो हमसे ज्यादा वहाँ पर खुश होंगे। मुसलमान है ना, इसलिए हमारे पास बहुत ज्यादा इंसाफ है। अच्छा, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है इस बात का? इस बात का सर्टिफिकेट है, जो देखो मार रहा है उसको और मार दो, दबा दो नीचे, उसको ऊपर नहीं उठने देना। सर, अगर चंद्रयान पे वो कामयाब हो जाते हैं चांद पर जाने से, तो फिर वो पाकिस्तान को तो कुछ नहीं समझेंगे? जिनका इत्तेफाक है वो जा सकते हैं, जिनके अंदर इत्तेफाक है अपना वो तो कर सकते हैं, जो मर्जी को कुछ कर सकते हैं, जिसमें इत्तेफाक नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। हमें इत्तेफाक है? हमें इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ये तो अल्लाह ही है जो करता है, लेकिन हमारे में ये चीज़ नहीं है। तो फिर आपने कहा कि मुसलमान पाकिस्तान में ज़्यादा, तो वो इंडिया में ज़्यादा? वो तो है, मैंने कहा, लेकिन क्या है कि हमारी मदद तो अल्लाह ताला ही करता है।
अल्लाह ताला उसकी मदद करता जो अपनी मदद करना चाहता है। अपनी मदद करना चाहता है। हम करना चाहते हैं अपनी मदद, हम लोग नहीं करना चाहते, हम लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का आने वाले टाइम के अंदर? क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं जो सिचुएशन हालात चल रहे हैं? ये तो अल्लाह ही हमारा साथ देगा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इंडिया ज़्यादा ताकतवर है हमसे, ज़्यादा ताकतवर है। तो क्या कहना चाहेंगे, हमें इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए? दोस्ती अब इनकी तो समझ ही नहीं है क्या कर सकते हैं ये, आपको नहीं समझ? ये तो इन चीज़ की समझ नहीं है, क्योंकि ये दोस्ती क्या करेंगे, अपना कारोबार उधर कर लेते हैं। किधर? इंडिया में। अपना कारोबार तो इंडिया में करेंगे? ये करते हैं, अभी भी करते हैं। आप भी करना चाहते हैं? नहीं, मैं किधर करना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान में करना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान में करना चाहता हूँ। अगर इंडिया में कर लेते तो बुराई है इसमें? बुराई तो नहीं है, लेकिन इंडिया में नहीं कर सकता हूँ। क्यों? उधर के लोग ही नहीं अच्छे हैं, इंडियन अच्छे नहीं है। अच्छा, हम बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी हम अच्छे हैं, एक दूसरे की इज्जत तो करते हैं। वो नहीं करते एक दूसरे की इज्जत? वो किधर, मुसलमानों की किधर करते हैं? मुसलमानों की इज्जत ही नहीं करते? नहीं करते। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन था पता? मुझे मालूम मुसलमान था। मुसलमान था, क्या काम किया था? लेकिन वो क्या था, वो डॉक्टर क्या बनाता था? क्या बनाता था? ये बना, इसीलिए उसकी इज्जत करते थे वो। अच्छा, तो आप भी कोई बड़ा काम करें ना, दुनिया आपकी भी इज्जत करे। बड़ा काम तब होता है जब लोग पैसा पास हो, पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? डॉक्टर अब्दुल कलाम भी गरीब आदमी था, गरीब घर से ही था, उसने तरक्की की ना, उसने पढ़ा लिखा, वो बड़ा बना। हम सच्चाई को क्यों नहीं तस्लीम करते? वो तो सही है, वो तो बने हैं, और इंडिया ने उसको अपना प्रेसिडेंट बना दिया, देखे ना, सदर बन गया इंडिया का। बिल्कुल बना। हम कहते हैं मुसलमानों को वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, बाकी को तो नहीं मिला। क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या जुल्म करते हैं? क्या जुल्म करते हैं? बड़े जुल्म करते हैं वो। यहाँ पर भी जो पाकिस्तान में होता है इसको जुल्म नहीं करते? ऐसा जुल्म तो नहीं ना होता जैसा उधर होता। कल परसों की बात है, दो मंदिर तोड़ दिए गए।